मोदी एक ऐसा आदमी है जो हर मोदी जी तो मान लिया बाल बच्चे पैदा ही नहीं किए इसलिए उनके पास बाल बच्चा नहीं है, वो कहां से लाएंगे? पूरा देश के सर, ये बोलते हैं कि परिवारवाद सब पार्टी में है कि नहीं? हर पार्टी में है सर। अमित शाह जी ने अपने बेटा को ही बैठाया हुआ है वो क्रिकेट के लोकसभा क्षेत्र में। कौन से प्रत्याशी का ज्यादा चांस है इसमें? आलोक कुमार मेहता का। टूबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी? बेरोजगार रोजगार है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है इस बार जो है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो कौन से प्रत्याशी का ज्यादा चांस है जीतने का? प्रत्याशी का क्या, जो मतदाता सूची है, जो मतदाता अधिकार जो है वो गुप्त है और मतदाता माइंड बना लिया है कि हम मतदान किसको करना है। क्या लगता है इधर किसका माहौल है इस बार उजियारपुर लोकसभा में? कौन जीतेगा अब? लालू का पार्टी कि मोदी का पार्टी? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनता की आवाज़ आप तक उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के हर ब्लॉक का जो है दौरा कर रहे हैं हम लोग, वहां के पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, वहां के लोगों का नज़रिया जान रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, कौन से प्रत्याशी का ज़्यादा चांस है इस बार। तो वहीं आपको मैं बता दूं कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में दो प्रत्याशी जो ज़बरदस्त आमने सामने हैं, जिसमें जो है एक तरफ जो है एनडीए प्रत्याशी जो है नित्यानंद राय जी हैं और वहीं जो है महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है आलोक कुमार मेहता जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मैं ये जानूंगा, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से प्रत्याशी का जो है पलड़ा यहाँ भारी है। बहुत सारे लोग जो है विद्यापति नगर में आ जा कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप सामने देख सकते हैं विद्यापति धाम, ये रेलवे स्टेशन है और इधर जो है मार्केट है। और आने जाने वाले लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इस इलाके के नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह। सतीश जी, क्या लगता है इस बार जो है उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो कौन से प्रत्याशी का ज्यादा चांस है जीतने का? प्रत्याशी का क्या, जो मतदाता सूची है, जो मतदाता अधिकार जो है वो गुप्त है और मतदाता माइंड बना लिया है कि हम मतदान किसको करना है। बात समझ गए, वो किसी तरह का बदलाव होने की संभावना नहीं, बदलाव का संभावना नहीं है। तो अभी तो लहर जिस प्रकार अभी लहर चल रहा है, अभी विपक्षी स्टैंडिंग में जो किसी की चीज को बोलना है, सुनना है, करना है। तेजस्वी यादव जो नौकरी वगैरह जो दिलवाए हैं, सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की शक्ति और प्रधानाध्यक्ष जो नियम है और प्रधान स्टेज में जो चीज का शक्ति होगा वही ना। और राज्य स्तरीय पार्टी अपने क्षेत्रीय स्टेज में क्या करेंगे, तो केंद्र का निर्धारण थोड़े कर लेंगे, केंद्र का निर्धारण के लिए केंद्रीय पार्टी हो जाए, उसके आधार पर जो जी परिणत किया जाता है। महंगाई का जो मुद्दा है, रोजगार महंगाई कोई नहीं, महंगाई मुद्दा यही है कि जो रात खाने के लिए मिल रहा है, मजदूर मिल रहा है, तो मजदूरी बिना किए हुए मजदूर किसी के पास पे? तो मजदूर को अब कितना पैसा अभी मिलता है मोदी गवर्नमेंट मालूम क्या? उसको तो मूल आधार अभी जो प्राइवेट में जो कर रहे हैं, जो 500 रुपये राहुल गांधी कहते हैं कि हम मजदूर का जो है ज्यादा मजदूरी बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, उनकी सत्ता आने पर बढ़ा सकते हैं। उनकी सत्ता पहले था उसके रीजन में जो कुछ नहीं किए और अभी अधिकार जोग दे देंगे, कुछ कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम एक मजदूर की परिवार से आते हैं, हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, हम भी कांग्रेस का ये देखे हैं, समझे ना सरकार, हम छोटे छोटे थे उससे अभी तक में सुनते हैं, 70 वर्ष वो भी चला है कांग्रेस लोग, लेकिन उनका जो चला अभी 10 वर्ष में चला है, आकाश जमीन का अंतर है, क्लियर हम कहेंगे। वो आएंगे तब करेंगे, आएंगे तब क्या, 10 वर्ष युवा सबसे बड़ा जो चैलेंज है युवा को अभी देश में, क्या लगता है अभी आने वाले समय में जो अभी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी का ज्यादा चांस है? इसमें आलोक कुमार मेहता का। आलोक कुमार वही निकल गया, बीजेपी बदलाव का लहर नहीं है इस बार? नहीं, बीजेपी नहीं निकल पाएगी यहाँ से। ये तो कह रहे हैं भाई साहब, अभी जो बात कर रहे थे बोल रहे हैं कि अभी कोई बदलाव का कोई ऐसा मामला नहीं है। नहीं नहीं, उनका कहना वो गलत है, देख रहे हैं माहौल कैसा है, रोजगार नहीं है, बैठे हुए हैं बीटेक करके, कुछ काम नहीं मिल रहा है जी। क्या लगता है इसमें रोजगार आप लोगों को? इस बार पूरा बदलाव है, पूरा बदलाव है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? पटना जा रहे हैं। पटना जाने की चाह, पटना जाने की कोशिश कर रहे हैं ना? जी जी। तो ट्रेन से जाएंगे? जी जी, ट्रेन। और भी यहाँ पे भाई साहब, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है उजियारपुर? नित्यानंद राय 4 लाख वोट से जीतेंगे। 4 लाख वोट से जीतेंगे और 400 भाई नहीं हो पाएगा ऐसा बात नहीं है। नित्यानंद राय प्रधानमंत्री ऐसा काम किया, हर घर नल जल योजना, गैस सिलेंडर,
हर घर सिलेंडर सर महंगा भी तो हो गया, महंगा हो गया तो अभी कितना दे रहा, अभी 900 पहले कितना मिलता था सर, मैं मजदूरी अभी कितना है, अभी तो 500 मजदूरी पहले 150। राहुल गांधी कहते हैं हम दुगुना कर देंगे, मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि दुगुना कर देंगे, मोदी जी इतना अच्छा काम किया हर घर में। राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो जो अभी सबके सामने जो ला रहे हैं मोदी जी, अगर अगर मोदी जी अगर आपके नजर में अच्छे तो उनका दुगुना करना चाहिए तब ताकि लोग उनको। मोदी जी ऐसा कोई ऐसे विपक्ष में कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा ही बताइए तो, राहुल गांधी है ना पढ़े लिखे है ऐसा उसका उसका अति तो देख लीजिए, कोई चेहरा नहीं है वो आपको है। अभी समझ में नहीं आएगा आपको जब इलेक्शन के बाद पता चलेगा। सुनिए जब महागठबंधन में अभी तक कोई चेहरे नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, हम मोदी तो इतना अच्छा काम किए उनका कोई बात। केंद्रीय पार्टी कौन है, राज्य स्तरीय पार्टी कौन है, क्या हुआ राज्य स्तरीय पार्टी एक केंद्र का निर्धारण कर लेंगे कैसे कर लेंगे, और जो केंद्र में अस्तित्व है उसकी जनता और उनकी एजुकेशनल प्रक्रिया जो है इंटरमीडिएट है जो 12 है जो अभी शिक्षा मंत्रालय में रह सके बिहार सरकार का संचालित करने में संचालित स्टैंडिंग नहीं कर पाए, वो केंद्र का निर्धारण कैसे करेंगे, केंद्र का स्टेटमेंट। दुबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी, अभी रोजगार है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है देख रहे हैं। हाँ रोजगार होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव ने अभी जो नीतीश सरकार में जब थे वो जी रीजन में अपने बाल बच्चे को 8वां और 9वां का जो शिक्षित दे के राजनीति के स्टैंडिंग करा दिया और राजनीति कराने के मंत्रिमंडल में उसी चीज को तो सुधारने की अभी कोशिश हम नए कर रहे हैं। आने वाले कल क्या है, जो अपने एजुकेशन नहीं है दूसरे का एजुकेशन, अपने बहन को देते हैं। यादव ऐसा कोई परिवार नहीं है जो सांसद लड़ सकते है, उनका बहन देखिए सांसद लड़ रही है, क्या दिक्कत क्या, अगर उस तरह का है वो उनके पास उस तरह का परिवार पार्टी है, परिवारवादी परिवार में तो सब सारे दल में परिवारवाद है। देखिए मोदी एक ऐसा आदमी है जो हर मोदी जी तो मान लिया बाल बच्चे पैदा ही नहीं किए इसलिए उनके पास बाल बच्चा नहीं तो वो कहां से लाएंगे, पूरा देश के सर ये बोलते हैं कि परिवारवाद, परिवारवाद सब पार्टी में है कि नहीं, हर पार्टी में है सर। अमित शाह जी ने अपने बेटा को ही बैठाया हुआ है वो क्रिकेट बैठाए हुए हैं, लेकिन जिसकी आबादी अधिक है 8, 9, 10, 12 बच्चे हैं और 12 बच्चे मंत्रिमंडल ट्रेनिंग में है और क्या मैंने गाँव के समाज में और घर क्या लगता है इधर किसका माहौल है इस बार होशियारपुर लोकसभा में कौन जीतेगा, अब से अभी लालू का पार्टी कि मोदी का पार्टी, अब से अभी केना कहेंगे लालू मोदी जी मदराई को वोट देंगे। देखिए यादव जो शिक्षित परिवार वो वोट देंगे मोदी को, अभी तो दंसराय वगैरह में बोल रहे थे यादव लोग की भाई ऐसा कोई बात नहीं, जो जो प्रधानमंत्री को देख रहे हैं विकास कर रहे हैं वो यादव अपने शिक्षित परिवार